तो जब से नारुतो हम लोगों को टीवी पे देखने को मिला है सोनी ये के ऊपर, तब से नारुतो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है और इसकी हिंदी डबिंग भी बहुत सारे लोगों को पसंद आ रही है। लेकिन नारुतो के फैंस ये भी चाहते हैं कि नारुतो शिपुडेन भी हम लोगों को टीवी पे जल्द से देखने को मिले, तो इसीलिए बहुत सारे कैरेक्टर्स के वॉइस अभी तक हम लोग रिवील नहीं किए गए हैं टीवी पर, और बहुत सारे कैरेक्टर्स के वॉइस जो है वो फैंस लोग सुनना चाहते हैं, और इसीलिए आज हम लोग देखेंगे कि अगर नारुतो शिपुडेन टीवी पर हिंदी में आएगा तो उनकी वॉइस कौन दे सकते हैं या फिर उनकी वॉइस कौन सबसे ज्यादा परफेक्ट कर सकता है। और एक चीज मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि जितने भी नारुतो शिपुडेन के कैरेक्टर कि मैं तुम्हें आवाज सुनाने वाला हूँ ये एक अनऑफिशियल कास्ट है नारुतो शिपुडेन की हिंदी वॉइस की, मतलब नारुतो शिपुडेन जब टीवी पर आएगा तो उन कैरेक्टर्स की वॉइस कुछ और हो सकती है, इसलिए तुम इसे ऑफिशियल वॉइस कास्ट मत समझ लेना, ये अनऑफिशियल वॉइस कास्ट है। तो बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टर की जो कि हम लोग का आता है नारुतो, जो कि नारुतो शिपुडेन का मेन कैरेक्टर है, और हम लोग को पता है कि नारुतो शिपुडेन के अंदर सभी कैरेक्टर्स जो है वो बड़े हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें उनकी एडल्ट वॉइस या फिर टीनेजर वॉइस टाइप चाहिए हम लोगों को। तो मैंने जो नारुतो के लिए वॉइस सेलेक्ट किया है वो है वैभव ठक्कर सर, जिन्होंने स्पाइडरमैन को अपनी आवाज दी है, तो मुझे ये इसीलिए परफेक्ट लगी क्योंकि मुझे लगा नारुतो अगर 16 इयर्स का है तो उसके हिसाब से वैभव ठक्कर सर की आवाज जो बहुत परफेक्ट बैठेगी नारुतो के लिए। थैंक्स, मैं और फाटू लैंडिंग कर सकता था लेकिन ये सूट नया है ना, थोड़ा जम नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा, ये परफेक्ट है। हां ठीक है रनिंग कमेंट्री देने की जरूरत नहीं है। ओके कैप्टन जबरा फैन स्पाइडरमैन। और अगर बात करें कि शिपुडेन के अंदर हम लोग साकुरा की हिंदी वॉइस कौन हो सकती है, तो वो हो सकती है हमारी सोनल कौशल मैम, जिन्होंने बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर्स, कार्टून कैरेक्टर्स और मूवी के कैरेक्टर्स को हिंदी डब किया है। और इन्हें चुनने का मेरा रीजन ये भी है कि ये बहुत प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट है, मतलब ये बहुत ही अच्छे तरीके से वॉइस डब कर सकती है साकुरा के लिए। हम एडना आंटी के पास नहीं जा सकते। तुमने वो चश्मा देखा जो उन्होंने लूशियस अंकल को पहनाया? एडना आंटी को भी पहनाया होगा, तो वो सब लोग किसी के कंट्रोल में हैं। तो इसके बाद हम लोग का आता है इताची उचीहा, जो कि एक बैडेस्ट कैरेक्टर है नारुतो शिपुडेन के अंदर, जो कि तुम लोगों को पता है कि अगर बैडेस्ट कैरेक्टर है तो उसकी बैडेस्ट वॉइस भी होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने बैडेस्ट वॉइस के लिए सेलेक्ट किया है अमित गोस्वामी सर को, जो कि बहुत ही परफेक्ट रहेंगे मुझे लगता है इताची के लिए। मांगे क्यों शारिंगन, ये आंख बहुत ही खास है, जिस पल से इसे ताकत मिलती है ये अंधेरे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, और इसे जितना इस्तेमाल किया जाता है ये उतनी ही कमजोर हो जाती है। तो इसके बाद आता है सास्के उचीहा, जिसकी वॉइस मैंने थोड़ी सी भारी रखी है क्योंकि शिपुडेन के अंदर भी उसकी वॉइस जो है थोड़ी सी भारी है। तो अगर आप लोगों ने बेबेड बर्स देखा है तो उसके अंदर हम लोगों को शुकुरो नायका नाम का एक कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसकी वॉइस मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि सास्के को भी अगर यही डब करेंगे तो इनकी वॉइस बहुत परफेक्ट बैठेगी सास्के के लिए। मैं तुम्हें हरा नहीं पाया लेकिन मुझे ये गेम बहुत पसंद आया, जानता था कि मैं अपना सारा बचा हुआ वक्त प्रैक्टिस में लगा दूंगा। तो इसके बाद हम लोग आता है काकाशी, तो काकाशी को वॉइस दे सकते हैं हमारे संकेत मात्रे सर, जिन्होंने बैंडन को भी अपनी वॉइस दी थी। ओह हेलो, हाँ मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, मुझे खुद के नाम की फिल्म बनाने के लिए किसके तलवे चाटने पड़े, उस आदमी का नाम नहीं बता सकता पर नाम मेल खाता है वुल्वरीन। और लास्ट नारुतो शिपुडेन के अंदर अगर आप लोगों ने पेन और मादरा को देखा है तो उनकी वॉइस कितनी ज्यादा खतरनाक होने को पता ही है, और इसीलिए हिंदी डब में भी कुछ ऐसे ही आवाज चाहिए हम लोगों को। तो पेन और मादरा को वॉइस ये दे सकते हैं, इनका नाम तो मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपके स्क्रीन पे नाम शो होता होगा उनका। वास्तविकता के साथ जागो, इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो, जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा कि जो चीज असलियत में है असल में वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी। मैं निर्माण करूंगा ऐसी दुनिया का, मैं हूं उचीहा मादरा। जिन्हें दर्द का एहसास नहीं वो कभी भी सच्ची शांति का अर्थ नहीं समझ सकते। मैं याइको की भुगती पीड़ा कभी भुला नहीं सकता, और अब इस दुनिया को दर्द का एहसास होगा। ऑलमाइटी पुश।